सांसद और भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रवीण माली जी, मान्य विधायक श्री लोकेंद्र कुमार जी, विधानसभा के संयोजक श्री बन्ने सिंह गोहिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी समाजों के मुखियागण और सांचौर की इस पावन धरा पर जनता जनार्दन को राम राम सा। भाइयों बहनों, मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। श्री गोधाम पथमेड़ा और नंदीशाला गोलासन सौचोर ये अपने आप में पावन धरा है। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है वह देवताओं की भूमि होती है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गो। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है और मैं इस बात के लिए इस धरा को नमन करता हूं, पथमेड़ा गौशाला के पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज द्वारा लाखों गौ माता का संरक्षण करने का जो कार्य हो रहा है, भाइयों बहनों, उस कार्य ने इस पूरी धरा को देवताओं की भूमि बना दिया है, देवतुल्य बना दिया है और अवश्य उसका फल यहां प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, जालौर जिले से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं यहां पर श्री मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में और पूज्य बापू शांतिनाथ जी महाराज के साथ में कई बार उनके आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे हमारा जो पूज्य संत समाज है इनके सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों में जालौर में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जालौर की भूमि पर नंदीशाला की इस पावन धरा पर आप सबको जन्म लेने और इस धरती के माध्यम से गौ माता की और नंदी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन मैं देवजी भाई जी भाई को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे संवाद बनाने का अवसर दिया है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे, बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा तो मैं तो वहां चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, देवजी भाई जब भी दिल्ली में मुझे मिलते थे जालौर की चर्चा मैं जरूर करता था, वह भी जालौर की चर्चा सांचौर की चर्चा जरूर करते थे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके इस विधानसभा चुनाव में आपके साथ और सांचौर की जनता के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है,
राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो काम तमाम होता ही है, उसके आका भी मार दिए जाते हैं। आज भारत के अंदर बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, हर घर नल की योजना के लिए पैसा, ये सब मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था राजस्थान में, वो पैसा कुछ चंद कांग्रेस नेताओं की जेब में चला जाता है। भाइयों, वे सड़कों पे गड्ढे हैं। जब यहां पे बाढ़ की अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है तो मुख्यमंत्री जी जयपुर के बाहर नहीं निकलते, कांग्रेसी नेता पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जगह घूमते रहते हैं, उनको जनता जनार्दन की सुध नहीं रहती। भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार में अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर एक पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर एक पर है, भ्रष्टाचार में नंबर एक पर है, साइबर क्राइम में नंबर एक पर है, गौ तस्करी में नंबर एक पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर एक पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को
निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9,60,00,000 गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, 50,00,00,000 गरीबों को 5,00,000 रुपए का आयुष्मान भारत का सौगात दे दी। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। और मोदी जी ने, आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में जब लोग अपने सगे भाग रहे थे, तब मोदी जी पहला काम उन्होंने वैक्सीन दिया देश को बचाने के लिए, भारत की 142 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन। और साथ साथ कोई भूखो न मरे इसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला। याद करिए, 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान, आज वहां पर 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, 1 किलो आटा नहीं मिल रहा है। और मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, आगे 5 साल तक देंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली मोदी सरकार, एक ओर विकास के बड़े बड़े कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य। पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा, सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए, यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है, बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन, बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती है, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन, यहां दोहरे कानून है, यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2,00,000 रुपए मुश्किल से निकलता है और मुस्लिम मरेगा तो 25,00,000 रुपए मिल जाएगा। भाइयों बहनों, कैसी सरकार, ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। बूंदी में तो हमारे एक संत की हत्या कर दी गई, सरकार मौन, वहां लोगों ने बंद करके रखा 10 दिनों तक, सरकार ने वहां बैन कर दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिए। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दे देती क्या? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भी विराजमान होने वाले हैं, 500 वर्षों के बाद ये अवसर आ रहा है हर भारतीय
खुशी के साथ झूमना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था वह संघर्ष रंग लाया मोदी जी के नेतृत्व में। डबल इंजन की सरकार जब आती है ऐसे ही परिणाम लेकर के आती है, आप सहमत है ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं, डबल इंजन की सरकार राजस्थान की आवश्यकता भी है, सहमत है ना? डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, आस्था का सम्मान भी होता है। और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? एक काम डबल इंजन सरकार ही करेगी, सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, सुशासन भी देगी और राजस्थान को विकास की एक नई समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान भी देगी। इसी में राजस्थान का सम्मान है, इसी में देश का सम्मान है और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 25 नवंबर को चुनाव है और साचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी भाई पटेल भारी बहुमत से जीते, इसकी अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यह भी अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस की साजिश से मेरी दो अपील है। एक, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो गलत नहीं चुनना है। दूसरा, ये भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कठुआ भी चुनाव मैदान में उतारे हैं जो वोट काटेंगे, अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया, अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। सब सहमत है ना? और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आया हूं, आप 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजिए। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बार दोनों हाथ लगाकर मुझे बताओ, आश्वस्त करो कि आप लोग ये काम करेंगे, क्योंकि मैं उसके अगली पंक्ति बोलने वाला हूं। फिर आप अगर सहमत हैं और देवजी भाई पटेल यहां से चुनाव जीत करके जाते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो देवजी भाई पटेल से मैं कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको है और इस जनता जनार्दन को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करा करके आशीर्वाद दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, इस संकल्प के साथ 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री
श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, योगी जी का जय श्री राम। सभी याद रखिएगा, सिर्फ